मैक्स काइट एक जर्मन बिजनेसमैन थे जिन्होंने कोका कोला से राइट लिया कि वो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट सिटी में बॉटलिंग प्लांट लगा के कोका कोला का प्रोडक्शन वहीं कर सके। कोका कोला ने उन्हें राइट्स तो जरूर दी, लेकिन उनके सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो 9 केमिकल से बनते थे उनका फार्मूला शेयर नहीं किया, और वो यूनाइटेड स्टेट से ही बन के जर्मनी आते थे। समय के साथ साथ सप्लाई चलती रही और बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन 1936 में जर्मनी के तानाशाह ने इम्पोर्ट के रिफॉर्म्स जारी किए, जिस वजह से इम्पोर्ट पर कई सारे बैन लगा दिए गए। तब जो 9 इंग्रेडिएंट यूएस से आते थे उनमें से 7 उन्होंने शेयर कर लिए, लेकिन अभी भी 2 इंग्रेडिएंट मैक्स के साथ शेयर नहीं किए। फिर 1939 में स्टार्ट हो गई वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस ने भी उसमें पार्ट लिया और वो 2 इंग्रेडिएंट भी यूएस से आना बंद हो गई। उस समय मैक्स के पास पूरी जर्मनी में टोटल 9 बॉटलिंग प्लांट थे और उसमें हजारों एम्प्लॉय काम करते थे, पर उन 2 इंग्रेडिएंट ना होने की वजह से सारा प्रोडक्शन अटका हुआ। मैक्स ने अपनी केमिस्ट की टीम को ऑर्डर दिया कि जल्द से जल्द उसका रेप्लिका बनाया जाए ताकि हम कोक का प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट कर सकें, लेकिन उनकी वो टीम इस एक्सपेरिमेंट में सक्सेस ना हो सकी। फिर उन्होंने सोचा कि हमारे पास जो 7 इंग्रेडिएंट मौजूद है उनसे हम एक नए ड्रिंक बनाते हैं। तो उन्होंने इटली की फैक्ट्री से लेमन और ऑरेंज के रेप्लिका मंगाए और फिर मैक्स ने उनके केमिस्ट की टीम को ऑर्डर देकर कहा कि यूज़ योर इमेजिनेशन, जिसका मतलब जर्मनी में होता है फैंटेसी, और उसी फैंटेसी से बनी एक रेवोल्यूशनरी ड्रिंक जिसे हम आज फैंटा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, फैंटा आज 75 वर्जन्स में पूरे वर्ल्ड वाइड बेची जाती है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने हो तो सब्सक्राइब एंड फॉलो बेस्ट स्टोरी।